वेलकम बैक टू लकी क्लासेस। तो चलो यार, अब देखते हैं, अब एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करते हैं। 6.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसके भी एक एक क्वेश्चन कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 तक, है ना। तो आप जाओ चैनल पे देखो, और फिर 6.2 को भी स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन में लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वालिटीज ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। मतलब इन सबको हमें ग्राफिकली दिखाना है टू डायमेंशनल प्लेन पे, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक से है, मतलब एक ही में, एक ही की तरह है, और उसी पे करना है। तो क्वेश्चन देख लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जो कि एक्स प्लस वाई स्मॉलर देन 5। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं टू डायमेंशनल प्लेन होता क्या है। तो टू डायमेंशनल प्लेन हमारा यही होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो होते हैं, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो हमें हमारा 10th का याद है कि हम ग्राफ कैसे बनाते थे, उसके पॉइंट्स हमें पहले रखने पड़ते थे, तब हमारे निकल के आते थे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहले ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वल्स टू मान लेते हैं तभी वैल्यूज निकलेगी। ऐसे करते थे हम, बॉक्स बनाते थे, मेन हमारा 2 ही होता था, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो वाई 5 आ जाएगा, y की जगह 0 रखेंगे तो x 5 आ जाएगा, x की जगह 0 रखा तो y इक्वल्स टू 5, y की जगह 0 रखा तो x इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब ग्राफ के ऊपर नंबर्स डाल देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 0.5 है सबसे पहला पॉइंट, 0.5 यहाँ बनेगा, 5.0 है तो नीचे को बनेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को मिला देते हैं, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डॉट डॉट लाइन क्यों खींची है, क्योंकि बिकॉज बता देता हूँ मैं, अगर यहाँ पे हमारा स्मॉलर है तो हम ऐसी डॉट डॉट लाइन खींचेंगे, स्मॉलर या इक्वल, अगर हमारा स्ट्रिक्टली स्मॉलर या स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, ठीक है। अगर हमारा स्मॉलर और इक्वल दोनों हो, या ग्रेटर इक्वल दोनों हो, तो हम पूरी लाइन खींचेंगे, बिकॉज अगर इक्वल होगा तो ये लाइन भी उसके अंदर जॉइंट हो जाएगी, अगर नहीं है तो हम इसे ऐसे डॉट डॉट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक अपना ओरिजिन ले लेते हैं, वी सेलेक्ट पॉइंट 0.0, मतलब चेक करने के लिए हमारी ये पॉइंट सही आ रहे हैं ना इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई जो कि ग्रेटर है 5 के, तो एक्स और 5 वाई को हम 0.0 रख लेते हैं, सॉरी 0 जो है ग्रेटर आ रहा है 5 से, है ना। तो इसका मतलब सही है, क्योंकि 0 से ग्रेटर 5 ही है। तो अब हमें इससे ये पता लग गया कि हमें स्मॉलर की तरफ को बनाना है, मतलब नीचे की तरफ को करना है, जो भी करना है। तो हम इसे अगर नीचे की तरफ हुआ तो ऐसे ऐसे दिखा देंगे, या तो इसे शेड कर दो या ऐसे दिखा दो, ठीक है। बस यही है क्वेश्चन के अंदर, देख लो एक बार, देखते क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल 6 की, ठीक है। ऊपर सिर्फ स्ट्रिक्टली स्मॉल था, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल दोनों है, बस उसी की तरह करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे, ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 6 के। अब इसके अंदर पॉइंट्स मान लेते हैं एक्स वाई, अगर एक्स की जगह 0 रखेंगे यहाँ पे साइड में, देख लो 2 × 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, इसे इक्वल मान लो, ठीक है। तो 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो वाई आ गया हमारा 6। अब वाई की जगह पे 0 रख के देखते हैं, 2 + 0 = 6, तो एक्स इक्वल टू 6/2, एक्स आ गया 3, 3.0, ठीक है। तो हमारे पॉइंट्स निकल आए, सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम कि हमें मतलब इसी के हिसाब से बनाना है या फिर ऊपर के हिसाब से बनाना है। तो वी सेलेक्ट पॉइंट
जीरो कॉमा जीरो, टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल सिक्स, टू इंटू जीरो प्लस जीरो ग्रेटर इक्वल सिक्स, टू है ग्रेटर इक्वल सिक्स जीरो, है ना। तो ये देखो, तो ये चीज़ तो गलत आ रही है क्योंकि जीरो हमारा सिक्स से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें जो ये शेड करना है वो ऊपर की तरफ को करना है। अगर हमारा गलत आ रहा है यहाँ पे ज़ीरो से, मतलब ये इक्वेशन हमारी गलत आ रही है लास्ट की, तो हमें शेडिंग ऊपर को करनी है। अगर सही आ रही है तो शेडिंग नीचे को करनी है, ठीक है। तो ये सबसे ईजी सी ट्रिक है भाई, इतना याद रख लो तो हो जाएगा। सबसे पहले ग्राफ्स बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, शेडिंग वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, फाइव सिक्स, ज़ीरो कॉमा सिक्स यहाँ बनेगा और थ्री कॉमा ज़ीरो यहाँ बनेगा। इन दोनों को ज्वाइंट करते हैं और यहाँ पे इक्वेशन हमारी गलत आ रही थी, ज़ीरो जो ग्रेटर इक्वल है सिक्स के गलत आ रहा था, तो हम शेडिंग ऊपर को कर देंगे। या तो शेड कर दो या ऐसे लाइन दिखा दो, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे दोनों। तो एक चीज़ और देख लो, यहाँ ग्राफ पे आप ये जरूर लिख देना x प्लस वाई इक्वल टू फाइव, और ये हमारी क्वेश्चन थी टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स। आप बस इतना याद रखो, अगर यहाँ पे हमारी ये वाली क्वेश्चन सही आ रही है तो हमारा नीचे को होगा शेडिंग, अगर गलत आ रही है तो ऊपर को होगा। ये अगर आप इतना सा ध्यान रखोगे तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सारे सब ईजी है। तो आई होप सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।